क्यों दुनिया के सबसे सफल और चुनिंदा लोग अपने हाथों को इस तरह से रखते हैं? आखिर क्यों दुनिया के बड़े बड़े राजनेता और प्रभावशाली लोग अपने हाथों को हमेशा एक विशेष मुद्रा में रखते हैं? ये सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है, दरअसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी आज से बैठते समय अपने हाथों को इस तरह रखना शुरू कर दोगे। और यह राज हमारे प्राचीन इतिहास में पिछले 5000 सालों से छुपा हुआ है, जिसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा हाथों की कुछ ऐसी आकृतियां और स्थितियां होती हैं जो आपके शरीर और मन की ऊर्जा को सही जगह लगाती हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हवा, पानी, आग, जमीन और अंतरिक्ष। एक स्वस्थ शरीर के लिए इन 5 तत्वों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी ज्यादा हावी या कमजोर हो जाएगा तो हमारे शरीर में गड़बड़ी होने लगेगी, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर ले जाएगी। आज की इस कहानी में कुछ ऐसी रहस्यमय और शक्तिशाली मुद्राओं के बारे में बताया गया है जो संसार के मात्र 1% लोग ही जानते हैं, और इसी वजह से वह लोग सबसे सफलतम, प्रभावशाली और कामयाब होते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को प्राचीन, रहस्यमयी और शक्तिशाली मुद्राओं के बारे में बता रहे थे। वह बता रहे थे कि किस तरह यह मुद्राएं व्यक्ति को शक्तिशाली, निडर, भयमुक्त और दीर्घायु बनाती है। गुरु बोले, यहां 5 तत्व है और हमारे पास 5 अंगुलियां भी हैं। तुम्हारी हर एक अंगुली हर एक तत्व को प्रस्तुत करती है। तुम्हारा अंगूठा अग्नि तत्व को दिखाता है, तुम्हारी तर्जनी अंगुली तुम्हारे वायु तत्व को दर्शाती है, तुम्हारी मध्य अंगुली अंतरिक्ष के लिए है, तुम्हारी अनामिका अंगुली जमीन के लिए है और तुम्हारी कनिष्ठ उंगली पानी को दर्शाती है। जब तुम मुद्रा को उपयोग करके किसी एक उद्देश्य के लिए अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाते हो तो वह इन 5 तत्वों को संतुलित कर देती है ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर रहे। इसीलिए मुद्रा को शील भी बोला जाता है, जहां तुम अपने शरीर और मन की ऊर्जा को किसी एक उद्देश्य के लिए लगा देते हो। संसार के सबसे सफलतम लोग जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं उत्तराबोधि मुद्रा। यहां तुम अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियों को इस तरह से मोड़ दो और अपनी दोनों तर्जनी अंगुलियों को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठे को भी बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाओ और जोड़े रखो। इस मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहा जाता है, जिसे गौतम बुद्ध खुद करते थे। इसे उपयोग करने का सबसे बड़ा कारण है, ये तुम्हारे भीतर की और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। ये तुम्हारे भीतर की जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ ये तुम्हारे दिमाग के चारों ओर चलने वाली चीजों से भी सतर्क रखता है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर इस मुद्रा को लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो यह तुम्हारे जीवन से डर, चिंता और तनाव को दूर करके तुम्हें निडर बनाती है। साथ ही निर्णय लेने में और हर समस्या का हल खोजने में मदद करता है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल कर रख देगा। यही कारण है इस संसार के सबसे सफलतम व्यक्ति बातचीत के दौरान इस मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए देखे जा सकते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और आप देख सकते हो, वह जो बोलते हैं पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सत्य का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तो उसके आत्मविश्वास से यह दिख रहा होता है कि वह सच बोल रहा है। गुरु आगे बोले, तुमने सफलतम लोगों को और एक मुद्रा को करते हुए देखा होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को अपने सीने के सामने रखो, ऐसे, जहां तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते हुए करते हैं वैसे। उसके बाद 3 बार लंबी श्वास लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां तुम्हारी सभी अंगुलियां इस तरह से एक दूसरे से मिली होनी चाहिए, और सिर्फ अपनी अंगुलियों पर ही हल्का सा दबाव महसूस करो। इस मुद्रा का नाम पश्चिमी हिंदू देवता हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। आयुर्वेद के अनुसार इस मुद्रा का अभ्यास करने से व्यक्ति को अपने मन को स्थिर करने की और नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। लेकिन अगर तुम्हें अपने ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है तो यह अगली मुद्रा जरूर शुरू कर दो, ध्यान मुद्रा। तुमने ज्यादातर भिक्षुओं को इस तरह बैठे हुए देखा होगा। जब भी कोई ध्यान करता है या अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है तो उसे अपने हाथों को इस तरह से रखने के लिए कहा जाता है। यह है ध्यान मुद्रा, जिसे एकाग्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाओ। अपने हाथों को नीचे रखो, जहां तुम्हारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए और तुम्हारे अंगूठे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इस तरह से तुम्हारा अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिल जाते हैं, वहीं बाकी सारे तत्व विश्राम की अवस्था में होते हैं। यह तुम्हें ध्यान की गहराई में जाने के लिए मदद करता है।
इस मुद्रा से तुम्हें कई फायदे होते हैं। यह तुम्हारे मन की शांति में वृद्धि करता है, तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाता है और तुम्हारे मन में अनावश्यक और नकारात्मक विचारों को आने से रोकता है। गुरु आगे बोले, अगली है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को धन के देवता कुबेर को समर्पित किया गया है। इसका अभ्यास करने के लिए अपने अंगूठे को अपनी मध्य अंगुली से और अपनी वरिष्ठ अंगुली से चिपका दो, जहां हल्का सा दबाव बनाना चाहिए। बाकी की अंगुलियों को अपनी हथेली पर आराम से रहने दो। अगर तुम इस मुद्रा को 10-15 मिनट तक अभ्यास करोगे तो जीवन भर तुम्हें इसके कई फायदे देखने को मिल जाएंगे। ये तुम्हारे शरीर में रक्त प्रवाह को संतुलित करेगा, तुम्हारे हृदय तक रक्त को ज्यादा पहुंचाकर शरीर के हर एक अंग तक ले जाएगा। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और एकाग्रता को बढ़ाकर तुम्हारी मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाएगा। इस मुद्रा का अभ्यास करने से तुम्हारा दिमाग खुलने लगेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन सभी को दूर करके तुम जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग और हृदय को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित कर देगा। गुरु अगली मुद्रा के बारे में बताते हुए आगे बोले, साथ ही साथ अगर तुम्हें ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना है तो अगली मुद्रा जरूर करना। चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, इसे चेतना का इशारा भी कहा जाता है। यह मुद्रा है ज्ञान और बुद्धि के लिए। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हमें साधना के दौरान ऐसे बैठना सिखाया जाता है, जहां हमारे हाथ इस अवस्था में होते हैं। इसे अभ्यास करने के लिए अपनी सारी उंगलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपनी तर्जनी अंगुली और अंगूठे को एक दूसरे से लगा दो। दोनों अंगुलियों के बीच इतना दबाव होना चाहिए जितना तुम्हें कागज पकड़ने के लिए करते हो। संस्कृत में चिन्ह का मतलब होता है चेतना और ज्ञान का मतलब होता है विद्या। इस मुद्रा के दौरान हम अपने पूर्णतः चेतन मस्तिष्क को बढ़ा सकते हैं। ये तुम्हारे वायु तत्व और अग्नि तत्व को एक करके तुम्हारी जागरूकता को बढ़ा देता है। से मुद्रा, इसे करने के लिए अपने हाथों को सीधा रखो, अपने अंगूठे को अपनी छोटी अंगुली की ओर ले जाओ और अपनी बाकी उंगलियों को अपने अंगूठे के ऊपर लाकर रख दो। अब जब भी तुम सांस अंदर लो तब अपनी उंगलियों को बंद करते जाओ और जैसे ही तुम सांस छोड़ो अपने हाथ को खोलते जाओ। इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक करो। जैसे ही तुम अपने हाथों को खोलने लगोगे, महसूस करो कि तुम्हारे अंदर से सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे डर, सारी चिंताएं धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से निकल रही है। इस अभ्यास को कम से कम 7 बार दोहराओ। इस मुद्रा को टवेस्ट मॉन्क के लीडर केम्तोंग ने डिस्कवर करा था। वह कहते थे, ये मुद्रा तुम्हारे अंदर की उदासी और तनाव को निकाल देती है, तुम्हारे डर को समाप्त कर देती है, यहां तक कि तुम्हारी अवसाद की स्थिति पर काबू पाने में भी तुम्हारी मदद करती है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत चुंबकत्व शक्ति और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। गुरु आगे बोले, गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा एक ऐसी हाथों की मुद्रा है जो तुम्हारे सीने की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इस मुद्रा में तुम्हारे दोनों हाथ की अंगुलियां आपस में मिलकर इस तरह से बंद हो जाती है और कहा जाता है कि यह तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे लिए अवसर के नए दरवाजे खोलती है और नए अवसर देखने की शक्ति को बढ़ाती है। इसीलिए इसे विघ्न निवारण मुद्रा भी कहा जाता है। ध्यान साधना के दौरान गणेश मुद्रा तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे शरीर के मध्य केंद्र में लेकर आती है, यानी तुम्हारे हृदय स्थान पर, जो तुम्हारे हृदय चक्र को जागृत करके तुम्हारे हृदय में प्यार और करुणा बढ़ाता है। गणेश मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले ध्यान के आसन में बैठ जाओ, जहां तुम्हारी कमर सीधी और सीना बाहर की तरफ हो। अब अपने बाएं हाथ को सीने के सामने लाकर अपने दाएं हाथ से इस तरह मिला दो। अब अपने दोनों हाथों को उल्टी दिशा में खींचो। इस मुद्रा का अभ्यास करने से तुम्हारे शरीर की उपापचयी क्षमता बढ़ती है, जिससे तुम्हारा मोटापा कम होता है और तुम्हारी गर्दन का दर्द और कंधों के दर्द को आराम मिलता है। मेरे दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा माइक्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके दिमाग के लिए एक तरह से हाईवे का काम करते हैं, जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के जरिए अलग अलग सिग्नल पहुंचाते हैं। आपकी अंगुलियां इन्हीं माइक्रो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन का यूज करके आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हो तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। यह आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, आपका माइंड का एनर्जेटिक फील करता है, डिसीजन पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। आपने इस जानकारी से कुछ सीखा है तो जानकारी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।